ये कुछ नहीं आया, ये जुगाड़ू बीच है। ऑब्वियसली कोरोना के कारण के घूमने तो जा नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा यहीं पे बीच ले आऊँ। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड भैया, एक नारियल पानी देना। थैंक यू। ओ माय गॉड, दिस इज फैब। आपने कभी नारियल पानी पिया है क्या? आई नो आप भी सोच रहे हो कभी टेबल मैट ले आती है, कभी नारियल पानी ले आती है, आखिर ये डेंटिस्ट है भी? ऑफ कोर्स हूँ यार। हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीक्षा एंड ये मेरा चैनल है द टुड्सी अफेयर। ये नारियल भी कितनी मस्त चीज़ है ना। इसके सबसे ऊपर वाली लेयर इतनी हार्ड, भाई साहब जान निकल जाए इसको तोड़ने में। और इसकी सेकंड लेयर थोड़ी सी सॉफ्ट है, बट आई थिंक चाकू से कट ही जाएगी। पर नारियल की जान तो इसके सबसे अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं नारियल पानी और नारियल की मलाई, या फिर जिसे हम टेंडर कोकोनट कहते हैं। यम, इट्स डिलिशियस, यू मस्ट हैव इट। बस अब आप इस नारियल को कंपेयर कर लो अपने दांत के साथ। दांतों के सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं इनेमल, और जो वाइट कलर की हमें दिखती है, सबसे टफ और हार्ड। और उसके अंदर वाली लेयर थोड़ी सी सॉफ्ट, तो कि जड़ों के आसपास दिखे, तो हम उसे बोलते हैं सीमेंटम। उसके अंदर वाली लेयर यानी कि इनेमल से थोड़ी कम हार्ड और थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट, उसको हम बोलते हैं डेंटीन। लेकिन दांतों की जान भी सबसे अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पल्प। और इस पल्प में प्रेजेंट है ढेर सारा ब्लड सप्लाई यानी खून का सप्लाई और नर्व सप्लाई, इसलिए उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं ये हार्ड वाली लेयर्स। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि दांतों का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है। आई नो आप सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे अजीब अजीब से कंपैरिजंस करती रहती है। आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं करूंगी, बट इट्स गोना बी अ वेरी फन वीडियो। आज का ज्ञान थोड़ा सा ज़रूरी था मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस और भी आसानी से समझ आ जाए। बट यू नो वॉट, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार वीडियोस ला रही हूँ नेक्स्ट। इसलिए कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड हाँ, एक और बात, प्लीज़ जाने से पहले नीचे आपको वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको ज़रूर दबा के जाना। एंड लाइक आई ऑलवेज से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल द टुड्सी अफेयर। बाय।